अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैदराबादी फूड फ्लेवर्स। आज हम बना रहे हैं टमाटर का शोरबा, जिसमें हम मटन और आलू भी डालेंगे। उसके साथ डालेंगे रोस्टेड कोकोनट, जो हम पीस कर डालेंगे। ये बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चले बनाते हैं इस टमाटर के शोरबे के लिए। विथ बोन्स मटन चाहिए। कुकर में मटन डालकर उसमें प्याज डाल दीजिए। जिंजर गार्लिक पेस्ट, हल्दी, लाल मिर्च, नमक, कुकिंग ऑयल, पोटैटोस को आप पील कर इस तरह से साबित डाल दीजिए। अब इसको आप गलने के लिए 10 मिनट कुकर में रख दीजिए। हाफ कप उतना पानी डालकर 10 मिनट्स के लिए आप कुकर में गलने के लिए रख दीजिए। ये मटन 10 से 15 मिनट्स के बाद ये गल गया। इसके जो पोटैटोस हमने डाले थे गलने के लिए, वो उसको निकाल कर हमने रख लिए हैं साइड में, एक बोल में रख लें इसको। ये देखिए, इसको निकाल कर रख लें। ये देखिए, ये गोश्त में पानी है। अब इस पानी को अच्छे से ड्राई होने दें। इसके बाद हम इसमें रोस्टेड और पिसा हुआ खोपरा डालेंगे। ये मटन का पानी सारा ड्राई हो गया है। अब इसमें रोस्टेड कोकोनट जो ब्लेंड करके रखे आप, वो डाल देंगे। इसको भी डालकर 5 मिनट तक अच्छा भून लीजिए। ये शोरबे की खासियत है कि इसमें आप रोस्टेड कोकोनट डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। ये बिल्कुल अलग शोरबा बनता है। ये रोस्टेड कोकोनट अच्छे से भुन गया है। अब इसमें टमाटर डालेंगे। अच्छे रेड टमाटर ले लीजिए, रेड एकदम। अब इसको कवर कर जब तक ये टमाटर गलेंगे तब तक इसको कवर कर हाई फ्लेम पर पकाइए। ये देखिए, ये टमाटर अब अच्छे से, देखिए ये गल गए हैं, अच्छा सा भुन गया ये। अब इसमें हम डालेंगे इमली का जूस, इसमें ये आलू जो बॉईल करके रखे थे हम कुकर में, वो डाल देंगे इसमें। ये देखिए, ये अगर बहुत ज़्यादा थिक है तो आप इसमें थोड़ा सा, हाफ कप उतना पानी ऐड करके इसको दम पर रख सकते हैं। अब मीडियम फ्लेम पर इसको रख दीजिए। अब देखिए, हाई फ्लेम पर इमली का जूस डालकर पकाने से इस तरह से ये अच्छा बॉईल होगा। अब इसको आप मीडियम हीट पर कर दीजिए, उसको 15 टू 20 मिनट्स तक दम पर रखिए। इसमें कोरिएंडर भी डाल दीजिए, चॉप कोरिएंडर। अब इसको 15 टू 20 मिनट्स मीडियम हीट पर रख दीजिए दम होने के लिए।
ये देखिए ये शोरबा कंप्लीट हो गया है। अब आपको हम डिश आउट करके बताते हैं। ये ऑयल भी सेपरेट हो गया है इसमें। अब आपको हम डिश आउट करके बताते हैं। ये देखिए ये शोरबा रेडी हो गया है, डिश आउट भी हो गया है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसे लगी। शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।